कांट तहसील में अवैध वसूली एवं भ्रष्टाचार को लेकर उप जिला अधिकारी के खिलाफ 17 दिन भी अधिवक्ताओं की कलम बंद हड़ताल जारी। कांट तहसील में बाकी लोग का उप जिला अधिकारी पर आरोप है कि उप जिला अधिकारी वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं बदकारियों की समस्याओं को लेकर अधिवक्ताओं ने कलमबंद हड़ताल पर बैठ गए हैं। वकीलों का कहना है कि उप जिला अधिकारी कांट के न्यायालय में प्राइवेट कर्मचारियों के द्वारा कागजों से छेड़छाड़ की जाती है एवं कंप्यूटर खतौनी प्राप्त करने के लिए अवैध वसूली होती है। यही नहीं, उप जिला अधिकारी कांट न्यायालय में धारा 107, 116, 151 CRPC के वादों में पीड़ित व्यक्तियों से अवैध वसूली की जाती है, जिससे परेशान होकर अधिवक्ता आज कलमबंद हड़ताल पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन के संदर्भ में चल रहा है ये हमारा धरना प्रदर्शन। SDM महोदय की कार्य प्रणाली, SDM कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और हड़कर्मिता के खिलाफ चल रहा है। आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि इनकी कार्यप्रणाली में सुधार हो, वकीलों का मान सम्मान हो, बादकारियों का काम जल्दी से जल्दी हो, अच्छा न्याय मिले और व्याप्त भ्रष्टाचार कम हो। मीडिया के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो ये हमारी मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हो, सक्षम अधिकारी इन पर गौर करें, SDM महोदय इन पर गौर करें और पीड़ित जितने भी यहाँ पर वादकारी हैं उनको सुलभ और सस्ता न्याय मिले। आपकी वो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें क्या कुछ समाधान हुआ? हमारा अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। हमारी मांगे जस्ती तक है, हमारा धरना प्रदर्शन जस्ती तक है, जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। अब आगे की क्या कार्यप्रणाली रहेगी? कार्यप्रणाली हम अपने काम पे हैं, हमारा क्रोध है सभी अधिवक्ताओं में और अपना जो है ये हड़ताल हमारी चल रही है। हम इसके अलावा आपका जो भी रास्ते हैं उच्च अधिकारियों से मिलने का या किसी भी जनप्रतिनिधि से मिलने का, हम वहाँ जाना चाहते हैं, जाएंगे। हमारे तहसीलदार महोदय ने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि हम जो एजिटेशन कि हम बिल्कुल सीधे और साफ तरीके से अपना एजिटेशन कर रहे हैं, कोई किसी तरह की बदतमीजी नहीं हो रही, कोई खिड़की दरवाजे नहीं पीटे जा रहे, ना कहीं कोई तालाबंदी की जा रही है। तालाबंदी कराई थी, उन्हें सद्बुद्धि दे दी आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने ताले खुलवा दिए। हम संवैधानिक लड़ाई के साथ हैं, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हमारी बात को सुना नहीं जाता। SDM महोदया नहीं है, उनका कार्यप्रणाली अपने निजी व्यवहार की है, संवैधानिक नहीं है, इसी वजह से हम लोग हाँ हमें SDM साहब से शुरू में मिले थे। क्या कहा उन्होंने? शुरुआत की थी, उन्होंने ये कहा था कि आप हड़ताल पर हैं तो आप मुझसे प्रशासनिक काम के लिए नहीं आ सकते हैं। मैंने उन्हें ये जवाब दिया था कि आप हम लोग हड़ताल पर हैं तो आपसे केस वर्क के लिए नहीं कह रहे हैं, हम क्लाइंट के काम के लिए क्लाइंट हमें लेके आए हैं तो हम संवैधानिक तरीके से आपसे उनकी समस्या के निराकरण के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं नहीं सुनूंगा, आप हड़ताल पर होते हुए मुझसे किसी भी तरीके की मिसलेनियस बात नहीं करेंगे, किसी क्लाइंट के साथ नहीं आएंगे और ना ही मैं आप लोगों की बात हड़ताल में किसी भी स्तर पर सुनूंगी। उसी वजह से हम लोग इस टाइप पर हैं।